तो ये है सैमसंग A52s 5G। तो A52s 5G के लिए आज सैमसंग ने एक नया अपडेट रोल आउट किया है 26 जून को। तो कितने साइज का अपडेट फाइल, क्या कुछ इस अपडेट में इम्प्रूवमेंट्स किया गया, क्या कुछ नए फीचर्स को ऐड किया गया है, साथ ही बात करेंगे कि क्या इमेज क्लिपर का फीचर ऐड हुआ है या फिर फ्यूचर में ऐड होगा, और साथ ही बात करेंगे कि एंड्रॉयड 14 बेस्ट वन UI 6.0 का अपडेट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। दोस्तों सारी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। लाइक टारगेट हम लोग रखते हैं 90 लाइक, 90 लाइक आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। बात करें अपडेट फाइल की तो 307.16 MB का अपडेट है, जून 2023 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। और इस अपडेट में सैमसंग ने डिवाइस की स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी को इम्प्रूव किया, डिवाइस के बिहेवियर को इम्प्रूव किया गया है, डिवाइस को लेटेस्ट सिक्योरिटी के साथ प्रोटेक्ट कर दिया गया है। इसके अलावा डिवाइस की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया, बग्स को फिक्स किया गया, कुछ फीचर्स को ऐड किया गया, फीचर्स को इन्हेंस किया गया और डिवाइस की परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव किया गया है। साथ ही कुछ स्टॉक एप्लीकेशन जैसे सैमसंग मेंबर्स, कैलकुलेटर और वॉइस रिकॉर्डर को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर दिया गया है। तो ये सभी इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं। बेसिकली जो हर महीने सिक्योरिटी पैच अपडेट आता है, वही सिक्योरिटी पैच अपडेट सैमसंग ने रोल आउट किया है। और बात करें इमेज क्लिपर का फीचर मिलेगा या फिर नहीं, तो देखिए मिलेगा दोस्तों, क्योंकि सैमसंग A73 में भी सेम प्रोसेसर यूज किया गया है, स्नैपड्रैगन का 778G। तो ये प्रोसेसर कंफर्टेबल है इमेज क्लिपर फीचर के लिए। तो सैमसंग रोल आउट करेगा, और अगर अभी सैमसंग रोल आउट नहीं करता है तो वन UI 6.0 के साथ तो कन्फर्म है कि रोल आउट करेगा दोस्तों। और कब तक आएगा वन UI 6.0 का अपडेट एंड्रॉयड 14 के साथ, तो देखिए ऐसा बताया जा रहा है कि जुलाई के मिड तक जो है वो बीटा अपडेट रोल आउट करेगा सैमसंग फ्लैगशिप डिवाइसेस के लिए, और अक्टूबर के स्टार्टिंग में जो है वो स्टेबल अपडेट रोल आउट करेगा। तो सैमसंग हो सकता है कि जो अपडेट है वो नवंबर तक रोल आउट करे A52s 5G के लिए दोस्तों, और काफ़ी सारे नए और इंटरेस्टिंग फीचर्स आने वाले हैं सैमसंग की तरफ से One UI 6.0 अपडेट में दोस्तों। बाकी देखते हैं सैमसंग फ्यूचर में क्या करता है, और भी अगर कोई न्यूज आती है या फिर अपडेट आता है तो आपको मेरे चैनल पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।